आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री ने लिया चौंकाने वाला फैसला, ओम बिरला होंगे लोकसभा के अध्यक्ष। सरकार की घूसखोरों पर गाज, वित्त मंत्रालय के 15 सीनियर अफसर जबरन रिटायर। अयोध्या के आतंकवादियों को सजा, मरने तक रहेंगे जेल की चार दीवारी में। आदिवासियों के हक में सामने आए शिवराज, कहा सरकार माफिया और दलालों पर कार्रवाई करे। और वित्त मंत्री तरुण भानोट का आरोप, बीजेपी ने 15 साल कंबल ओढ़कर घी पिया। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। ओम बिरला का नाम लोकसभा स्पीकर के लिए तय किया जाना, प्रधानमंत्री मोदी का एक और चौंकाने वाला फैसला है। ओम बिरला ने 2003 में कोटा साउथ विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता शांति धारीवाल को हराया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ओम बिरला देश के अगले लोकसभा स्पीकर होंगे। ओम बिरला के नाम पर कई लोगों ने आश्चर्य जताया। आमतौर पर सदन से सबसे सीनियर सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जैसे कि पिछली बार 8 बार की सांसद रही सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनाया गया था। ओम बिरला 2014 और 2019 में जीतकर संसद पहुंचे हैं। इससे पहले वे 3 बार विधायक रहे। 4 दिसंबर 1962 को जन्मे ओम बिरला ने 17 साल की उम्र से राजनीति में कदम रख लिया था। उन्होंने 2003 में कोटा साउथ विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता शांति धारीवाल को हराया था। इसके बाद 2008 और 2013 में विधानसभा चुनाव जीते। ओम बिरला के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। खुद पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े ओम बिरला की पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला हैं। ओम बिरला की पहचान राजनीति के माध्यम से जनसेवा करने वाले नेता की रही है। उन्होंने राजनीति में रहते कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें क्षेत्र के लोग याद करते हैं। उन्होंने गरीब, वृद्ध, विकलांग और असहाय महिलाओं की मदद करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से क्षेत्र की विकलांग, कैंसर रोगियों और थैलेसीमिया रोगियों की मदद की। बढ़ते प्रदूषण की जांच और हरियाली में कमी के लिए कोटा में लगभग 1 लाख पेड़ लगाने के लिए उन्होंने एक प्रमुख ग्रीन कोटा वन अभियान लॉन्च किया था। ओम बिरला राजस्थान का बड़ा वैश्य चेहरा है। वे एक बार संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। साफ सुथरी छवि वाले बिरला को पूर्व में भजुमो में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। वहीं इधर राहुल गांधी के इनकार के बाद कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में अपना नेता चुन लिया है। मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लंबी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। कांग्रेस ने इस बारे में लोकसभा को भी पत्र लिखकर जानकारी दे दी है। कहा गया है कि अधीर रंजन चौधरी सबसे बड़े विपक्ष दल के नेता होंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अधीर रंजन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की बहरमपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद हैं। वे 1999 से इस सीट पर जीत दर्ज करा रहे हैं। 2 अप्रैल 1956 को एक बंगाली परिवार में जन्मे अधीर रंजन ने 1996 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की और विधायक बने। 1999 में उन्हें लोकसभा लड़ने का मौका मिला था और तब से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के 15 सीनियर अफसरों को जबरन रिटायर करने का निर्णय लिया है। इनमें मुख्य आयुक्त, आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर के खिलाफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी के आरोप हैं। मोदी सरकार लगातार ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार 2, सरकारी विभागों की सफाई यानी नकारा अफसरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। 18 जून को फिर सरकार ने वित्त मंत्रालय के 15 सीनियर अफसरों को जबरन रिटायर करने का निर्णय लिया। इसमें
मुख्य आयुक्त, आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर के खिलाफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी के आरोप हैं। 18 जून को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और कस्टम विभाग के जबरन रिटायर किए गए अफसरों का पद और नाम इस प्रकार है। प्रिंसिपल कमिश्नर डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, कमिश्नर अतुल दीक्षित, कमिश्नर संसार चंद्र, कमिश्नर हर्षा, कमिश्नर विनय ब्रिज सिंह, एडिशनल कमिश्नर अशोक महिदा, एडिशनल कमिश्नर वीरेंद्र अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर अमरेश जैन, ज्वाइंट कमिश्नर नलिन कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर एसएस पावना, असिस्टेंट कमिश्नर एसएस बिष्ट, असिस्टेंट कमिश्नर विनोद सांगा, एडिशनल कमिश्नर राजू सेकर, डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार असवाल और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अल्ताफ। इसके पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही सख्त फैसला लिया था। पिछले हफ्ते टैक्स विभाग के ही 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलवामा आतंकी हमले के आरोपी जैश कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। लगातार दूसरे दिन अनंतनाग में हुई इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है, वहीं 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए 2 आतंकी में से एक की पहचान जैश मोहम्मद के कमांडर सज्जाद भट्ट के रूप में हुई है। यह वही आतंकी है जो पुलवामा में हुए आतंकी हमले में आरोपी था और इसी की कार का उपयोग हमले के लिए किया गया था। वही सोमवार को भी पुलवामा में हुए आईईडी ब्लास्ट के पीछे इसी का हाथ है। अनंतनाग जिले के बाघहामा बीज बेहाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह से जारी मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। बिहार में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के एक श्री मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित बच्चों को और उनके परिजनों से मुलाकात की। हालांकि मुख्यमंत्री के आने की खबर के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ लग गई थी और लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। मुजफ्फरपुर और आसपास के लोगों में एक्यूट इन्फ्लाइसिस सिंड्रोम बेकाबू हो रहा है। पीड़ितों के अस्पताल आने का सिलसिला थम नहीं रहा। डॉक्टरों की टीम बीमारी के आगे असहाय नजर आ रही है। सोमवार को 5 और बच्चों की मौत हो गई। इनमें 3 का SKMCH और 2 का केजरीवाल अस्पताल में इलाज चल रहा था। भीषण गर्मी और उमस के बीच 48 नए मरीजों को इलाज के लिए लाया गया। SKMCH और केजरीवाल में मिलाकर अब तक 116 बच्चों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुजफ्फरपुर में AIS से बच्चों की मौत की खबर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से मरने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या का स्वतः संज्ञान लिया है। अयोध्या के अधिग्रहित परिसर में 5 जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले में विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 4 आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद अजीज सहित 4 आरोपियों को दोषी माना है और उन्हें सजा सुनाई है। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में हथियारों से लैस आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों को सुरक्षा बलों के बीच काफी देर मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 5 आतंकवादी को ढेर कर दिया था। इस आतंकी हमले में 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस हमले की जांच में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई और मददगारों में मोहम्मद अजीज, शकील अहमद, आसिफ इकबाल, मोहम्मद नसीम और डॉक्टर इरफान का नाम सामने आया था। सभी को गिरफ्तार कर पहले अयोध्या जेल में रखा गया था। 5 आरोपियों में से कोर्ट ने 4 को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। सीहोर के आदिवासियों को जब भोपाल में आंदोलन के लिए नहीं आने दिया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाला। शिवराज ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि गरीबों की हाय तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देगी। अगर पकड़ना है तो बड़े माफियाओं को पकड़ें। सरकार कार्यवाही करने का शौक है तो बल्लभ भवन के दलालों पर करें कार्रवाई, आदिवासियों को तो बख्श दो। इसके बाद शिवराज सिंह ने आदिवासियों की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवाई और उनकी
समस्याओं का तुरंत निराकरण करने की बात कही। बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आज सीहोर के आदिवासियों की लड़ाई लड़ते नजर आए। अपनी तमाम समस्याओं और मुश्किलों को लेकर आए आदिवासी के धरने में शिवराज सिंह ने कहा, आदिवासी किसी को सताते नहीं और कोई इन्हें सताए तो ये उन्हें छोड़ते नहीं। आदिवासी जमीन पर हर चीज के हकदार हैं। अगर उसका हक को किसी सरकार ने छीनने की कोशिश की तो हम उस सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे। आदिवासी अगर पत्थर बीन कर ट्रॉली में डालें तो ट्रॉली जब्त कर लेते हैं, पकड़ना है तो बड़े माफियाओं को पकड़े सरकार। शिवराज ने कमलनाथ से कहा, बल्लभ भवन के दलालों पर कार्रवाई करो, अगर सरकार आदिवासियों की मांगे नहीं मानेगी तो आंदोलन करेंगे। अब उन्होंने कहा कि हमारी समस्या है और समस्या के लिए भोपाल आना चाहते हैं। यहाँ प्रशासन से चर्चा हुई थी विधिवत, क्या धरना देंगे, धरना शांतिपूर्ण होगा, सरकार बात मान ले, लोकतंत्र में अधिकार है कि उसके लिए लड़ाई लड़े। लेकिन आपने देखा महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई किलोमीटर दूर रोक दिया गया इस गर्मी में, भूखे प्यासे आदिवासी पैदल यहाँ आए, ये मुझे गवारा नहीं था। ये मैं मानता हूँ कि इंसानियत नाम की, मानवीयता नाम की कोई चीज नहीं बची, और जब मुझे पता चला कि उतनी दूर रोक दिया गया है, आने नहीं दे रहे, आदिवासियों की आवाज दबाई जा रही है, तब हमने फैसला किया कि मैं खुद जाऊंगा, ट्रैक्टर ट्राली लेके आऊंगा। और अब आदिवासी भाई बहन आए, मेरी समझ से परे है लोकतंत्र में आंदोलन करना, अपनी बात सरकार के सामने रखना, ये अधिकार है, हक है। इस लोकतांत्रिक अधिकार को कुचला जा रहा है, ऐसे कोई सरकार नहीं चल सकती। और हम कमजोर नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करें, कोई दिक्कत नहीं है। शिवराज सिंह ने आदिवासियों के मसले को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को दो टूक बात की और बताया कि इन लोगों पर वन विभाग और आबकारी विभाग ने झूठे मुकदमे बनाए हैं, सरकार इन्हें वापस ले, इनको पट्टे दिए जाएं, मक्के का बोनस 500 रुपए क्विंटल और तेंदू पत्ते का पूरा बोनस दिया जाए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि इस सरकार 6 माह की झूठी उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि सरकार को 6 माह का उत्सव के बजाय चिंतन करने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश की बंटाधार रिटर्न सरकार के 6 माह पूरे हो चुके हैं। इन पूरे हो चुके 180 दिनों में से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 165 दिनों में 450 से अधिक आईएएस और आईपीएस और छोटे मोटे अधिकारियों के लगभग 15,000 ट्रांसफर करने की उपलब्धि हासिल की है, जो देश की किसी भी राज्य सरकार को आज तक हासिल नहीं है। भार्गव ने कहा कि आज सरकार 6 माह की झूठी उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि उसके पास पहले मनमाने आदेश जारी करना और फिर उन आदेश अथवा निर्णयों को यूटर्न लेने की भी अपार उपलब्धि है। इनकम टैक्स के छापों में हजारों करोड़ रुपए हवाला के खुलासे होने की उपलब्धि भी कमलनाथ सरकार ने 6 माह के अल्प समय में अर्जित की है। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने 6 माह के कार्यकाल को पूर्ण करने के अवसर पर खुशियां मना रही है। प्रदेश में, राजधानी में, सभी जगह खुशियों की बहार है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि एक निःशक्त और विकलांग शरीर और संतान यदि 6 महीने जीवित रह जाए तो अपने आप में ये निश्चित रूप से खुशियाँ मनाने की बात है, लेकिन उसके बहुत अधिक दीर्घजीवी होने की हम कामना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इतना ही सरकार से कहना चाहता हूँ कि कामकाज करें। लोगों का भ्रम पूरी तरह टूट चुका है, लोग निराश हैं, हताश हैं मध्य प्रदेश की, और उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस सरकार के लिए दर्पण दिखा दिया, आईना दिखा दिया है। खुशियाँ मनाने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि वह तो मातम मनाए।
5-5 लाख से लोकसभा की सीटें जो पार्टी हार गई हो, मैं मान के चलता हूँ कि उसको रोना चाहिए, ना कि खुशियाँ मनाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ढोर चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की बात हो या झूठी कर्ज माफी में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में इजाफा हो, इनमें भी कमलनाथ सरकार ने उपलब्धि हासिल की है। तबादला उद्योग का सफल क्रियान्वयन, सरप्लस बिजली होते हुए प्रदेश की जनता को अंधेरे में रहने पर मजबूर करना और भाजपा सरकार की चल रही योजनाओं के नाम बदलने का श्रेय भी प्रदेश सरकार के खाते में ही जाता है। वित्त मंत्री तरुण भनोट कमलनाथ सरकार की 6 महीने की उपलब्धियां बताने के बजाय बीजेपी की आलोचना ज्यादा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनहित के काम कर रही है और इसके लिए वह और कर्ज ले सकती है। एमपी के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 15 साल कंबल ओढ़कर घी पीने का काम किया और करीब 1,60,000 करोड़ का कर्ज लेकर पैसे का दुरुपयोग किया गया। सरकार की 6 माह की उपलब्धि का बखान करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बाजार से 35,000 करोड़ का और कर्ज ले सकती है। समस्या कर्ज लेने में नहीं बल्कि उसके उपयोग में है। पूर्व की भाजपा सरकार ने कर्ज लेकर उसका सदुपयोग नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार कर्ज लेकर अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करेगी ताकि प्रदेश का विकास हो सके। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसका 6 माह का कार्यकाल आज पूरा हुआ। इस 6 माह के कार्यकाल में लगभग 3 माह का समय ऐसा रहा जब संसद के चुनाव, पार्लियामेंट के इलेक्शन के कारण आचार संहिता और लगी रही, पर उसके बाद भी जो सीमित समय था उसमें हमने काम किए, हमारी सरकार ने काम किए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कहने का समय 6 माह पर काम करने के जो दिन मिले वो 3 माह से भी कम, में जो काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किए हैं वो अभूतपूर्व। बहुत सारे ऐसे निर्णय इस अल्प अवधि में सरकार ने लिए जिसके ऊपर काम करके हम आने वाले समय में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में चुनाव के समय कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली उसके 2 घंटे के अंदर उनने पहले अगर किसी सरकारी कागज पर दस्तखत किए तो वो किसान फसल ऋण मुक्ति की जो योजना थी उसके ऊपर किए। वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि सरकार जल्द ही अपना पूरा हिसाब किताब ऑनलाइन करने वाली है। इस विभाग को कितनी राशि स्वीकृत हुई, जिस किस काम पर कितना खर्च हो रहा है, ये पूरा लेखा जोखा कोई भी कहीं से भी बैठकर देख सकेगा। गोटेगांव में 2 पक्षों के बीच मामूली बात से बड़ा विवाद, गोलीबारी तक पहुंच गया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल सहित कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गोटेगांव के बेलहाई बाजार में सोमवार देर रात 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान दोनों तरफ से गोलियां भी चली। घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक हिमांशु राठौर नाम के एक शख्स को हाथ में गोली लगी है। घटना में आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी का जबलपुर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मारपीट और गोलीबारी के इस मामले में मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल के खिलाफ गोटेगांव थाने में 307 का मामला दर्ज किया है। गोटेगांव टीआई प्रभाष शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। पूर्व मंत्री जामिल सिंह के बेटे मोनू पटेल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। खुरई थाना इलाके में एक कार और जेसीबी की भीषण टक्कर से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार एक विवाह समारोह से लौट रहे थे, तभी कार जेसीबी से टकरा गई और आरक्षक सहित परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चारचौड़ एसडीओपी कार्यालय में तैनात आरक्षक सुभाष सप्रे, उनकी पत्नी गुड्डी और 3 बच्चियां सागर में एक शादी समारोह में शामिल होकर आरोन वापस लौट रहे थे, तभी खुराई बाईपास पर उनकी स्विफ्ट डिजायर कार एक खड़ी जेसीबी से टकरा गई, जिससे घटनास्थल पर ही 3
पांचों लोगों की मौत हो गई। कार चला रहा ड्राइवर इस हादसे में घायल है। युवक आरक्षक का परिवार आरोन थाने के शासकीय आवास में निवास करता है। मृतक आरक्षक 2 दिन की छुट्टी लेकर चाचौड़ा से इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हुआ था। घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कांकेर जिले में करंट लगने से 3 भालुओं की मौत का मामला सामने आया है। कोंदा गांव में एक किसान के खेत में 3 भालुओं के शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद मामले की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। दूसरी ओर सुकमा में डॉक्टर ने एक घायल हिरण का इलाज नहीं किया, इस कारण हिरण की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भालुओं का शव कब्जे में ले लिया है। किसान ने खेत में बोरिंग कराई और इसके खुले तार खेत में ही पड़े रहने दिए, जिसकी चपेट में आने से 3 भालुओं की मौत हो गई। भालुओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में वन अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही भालुओं की मौत के असल वजह का खुलासा हो पाएगा। शुरुआती जांच में करंट लगने से मौत होना पाया गया है। कांकेर जिले में पिछले 6 महीने में 9 भालुओं की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर सुकमा जिले के कोंटा तहसील मुख्यालय में पशु चिकित्सक की लापरवाही और शराबखोरी के कारण एक चीतल की मौत हो गई। वन विभाग के कर्मचारी घायल चीतल को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचे, तब इस चिकित्सालय के डॉक्टर सहित पूरा अमला ड्यूटी समय होने के बावजूद नदारद था। डॉक्टर की लापरवाही खोजबीन की गई। डॉक्टर 5 बजे चिकित्सालय पहुंचे, वह भी नशे की हालत में। वन विभाग के कर्मचारियों ने जब घायल चीतल का इलाज करने को कहा तो डॉक्टर ने 5 बजे जाने का हवाला देकर इलाज करने से मना कर दिया। अब जब उन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश की गई तो उनने वन कर्मचारियों को तमाम तरह की गालियां देकर हॉस्पिटल से खदेड़ दिया। इधर इलाज का इंतजार करते चीतल ने दम तोड़ दिया। यहाँ मेरे हॉस्पिटल में आके सर क्या बात मत करना, तुम क्या बात कर रहे हो बता। ठीक है ना सर, आप साहब तो ठीक है ना, एक घंटा से हम ढूंढ रहे हैं आप। एहसान कर रहे हो क्या मेरे ऊपर? एहसान आप हमारे ऊपर कर रहे हो क्या मेरे ऊपर? अपनी जगह हो तुम डॉक्टर हो तो अपनी जगह हो। बस मेरी मत, इसको सब हटाओ हटाओ। इंदौर में पुलिस की लापरवाही के कई किस्से सामने आते रहते हैं, लेकिन इसी कड़ी में एक मामला उस वक्त और जुड़ गया जब अचानक एसपी थाने पर पहुंचे तो सो रहे जवान ने एसपी को कह दिया कि क्या समस्या है आपकी। दरअसल सोमवार रात को एसपी पूर्व इंदौर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी अचानक भ्रमण पर निकल पड़े और अंततः नतीजा ये रहा कि 4 पुलिस जवानों को लाइन अटैच कर दिया गया और एक को नोटिस थमाकर जवाब मांगा गया। एसपी ने शहर के आजाद नगर, संयोगितागंज, तुकोगंज, विजयनगर, हीरानगर और बाणगंगा थाने का निरीक्षण किया। हद तो तब हो गई जब एसपी संयोगितागंज थाने पहुंचे और देखा कि वह एक जवान वर्दी उतार कर अर्धनंग सो रहा था और एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी को देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया और सो रहे जवान एसपी को देखकर वर्दी पहनने लगे। इधर विजयनगर थाने में पुलिस जवान एसपी को नहीं पहचान पाया और जब एसपी ने टेबल ठोकी तो अचानक नींद से उठे जवान ने एसपी को नहीं पहचाना और उसने कहा कि तुम्हें क्या समस्या है, सामने कागज रखा है उस पर लिख डाला। इसके बाद जब उसे पता चला कि यह फरियादी नहीं एसपी है तो घबराते हुए नींद में ही बैठे बैठे एसपी को सैल्यूट मार दिया। अलग अलग थाना क्षेत्रों के औचक निरीक्षण पर निकले एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने इसके बाद 4 जवानों को लाइन अटैच कर दिया, वहीं एक जवान को नोटिस दे दिया गया। कहते हैं अपराध कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सजा इंसान को किसी ना किसी रूप में जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ गाडरवारा कोर्ट से भागे अपराधी कैलाश के साथ। कैलाश की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मामला गाडरवारा का है। कुछ दिनों पहले गर्धा निवासी कैलाश जाटव पेशी के दौरान कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था, जिस पर हत्या से जुड़े गंभीर मामले चल रहे थे। पुलिस लगातार आरोपी को जगह जगह ढूंढ रही थी, पर आरोपी पुलिस की पकड़ से बार बार बच रहा था। पर कहते हैं जुर्म कैसा भी हो, उसकी सजा अपराधी को जरूर मिलती है। गाडरवारा पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी कैलाश जाटव पुलिस को चकमा देकर भागा और इंदौर पहुंच गया। आरोपी इंदौर से भोपाल हाईवे पर अपनी बाइक से जा रहा था, जहां पर ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और उसकी इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई।
प्रकरण क्रमांक 650 मामले 18 का था, जो कि पेशी के दौरान गाड़ावाड़ा नायब अभिरक्षा से पेशी कराने के बाद उसको गाड़ी में उठाते समय उसको पुलिस को धक्का मारते भाग गया था और उसकी तलाश की जा रही थी, जिसका अपराधी पंजीकृत किया गया है। पता लगा तो इंदौर आष्टा के बीच में हुआ है, इसकी मृत्यु हो गई। विश्व कप के मैच में सट्टा लगाते दो सटोरियों को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले में इन लोगों ने जमकर सट्टा लगवाया था। रीवा जिले के माऊगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर विश्व कप के भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मुकाबले में सट्टा लगाते दो बुकीज को पकड़ा है। आनंद गुप्ता और अमित गुप्ता दोनों सगे भाई हैं और सट्टा खिलवाते हैं। इन सट्टा कारोबारियों के पास से पुलिस ने 1,80,100 रुपए बरामद किए हैं। 7 मोबाइल फोन और 1 टीवी भी बरामद किया गया है। माहौल में काफी लंबे समय से सट्टे के कारोबार की जानकारी हुई, पिछले 8-10 दिन से हम लोग पूरे स्थितियों को जमाते हुए कि किस तरीके से बड़ी और भारी मात्रा में सट्टा पकड़ा जाए, इंतजार कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के मैच का। और आज काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इन्होंने जो लगाया जाता है सट्टा लगा हुआ था, लगभग हमें 1 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मिला है। और इसके अलावा जो है लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास कैश जब्ती हुई है और लगभग 1,25,00,000 रुपए के अलावा इन्होंने अकाउंट में भी पैसे मंगाते हैं, तो पेटीएम के द्वारा ट्रांसफ़र कराना, चेक के माध्यम से ले लेना। इस तरीके से मऊगंज में काफ़ी बड़ा वर्ल्ड कप का सट्टा बाजार फल फूल रहा था, जिसको हमने पकड़ने में कामयाब रहा। बैरागढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर जतिन रामचंदानी नामक युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बैंक में पैसा जमा करने पहुंचे युवक से दो ठग 25,000 रुपए लेकर चंपत हो गए। जतिन बैंक ऑफ बड़ौदा में 25,000 रुपए जमा करवाने गए थे, तभी दो युवकों ने पहले बैंक में पैसा जमा करने को लेकर उन्हें बातों में उलझाया और जतिन के रुपए अपने हाथ में ले लिए और कुछ क्षण में उसके रुपए रुमाल में रख कर वापस कर दिए। इसके बाद दोनों शातिर ठग वहां से बातचीत करते हुए जतिन को बैरागढ़ बाजार तक लेकर आए और मौका देखकर गायब हो गए। जतिन ने देखा कि दोनों ठग रुपए लेकर उसे कागज की गड्डी पकड़ा गए हैं। इसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत की, पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। भारी व्यक्ति जो है उनका मूवमेंट जो है बैंक के बाहर भी बना रहता है और अंदर भी बना रहता है, और उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं, या तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या कोई ऐसा कम उम्र का जो थोड़ा समझ नहीं पाता है, तो अपने बातचीत में लालच देकर जो है फिर बाहर ले गए उसको स्वाभाविक रूप से, और उसके बाद में उसको लालच दिया और फिर उसके पास अधिक पैसे हैं और उससे उसने इस प्रलोभन में आके जो है अपने पास के पैसे उनको दे दिए, और उनके पास का जो पैसा वो ज़्यादा बता रहा था कि इसके लिए 1,50,000 वो बिना देखे रख लिए। बाद में जब देखा तो कागज के जो है उसके अंदर टुकड़े थे और कोई पैसा नहीं, इस प्रकार एक ये घटना हुई है। जतिन के पिता की बैरागढ़ के बंसल मार्केट में कपड़े की दुकान है। जतिन दुकान का कैश जमा करने बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचा था और ठगी का शिकार हो गया। अब पुलिस बैंक में लगे हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जबकि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपको जर्जर भोपाली सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई ऐसा मजा आ रही है, बता रही हूँ, इंडिया ने पाकिस्तान को 7वीं बार टपका दिया वर्ल्ड कप में, बता रहा हूँ। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था उनके कैप्टन को कि पहले बैटिंग कर लेना, और मैं बता रहा हूँ वहाँ प्राइम मिनिस्टर की कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा तो चल जाए। और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और बारिश हुई नहीं, और मैं बता रहा हूँ आंसू ऐसे आंसू बहाए जा रहे हैं भलेल भलेल, और वहाँ के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा बहा रहे हैं, वो कहीं कह रहे हैं ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ भैया इतना ज़्यादा तकलीफ है तो खुद ही आ जाओ फिर से खेलने, संन्यास वापस ले लो अपना, फिर से टीम बना लो, तुम्हारे नए लड़कों में दम नहीं है, हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल हो गई, बता रही हूँ। मैंने जाके फिर बहुत सरप्राइज से बात की, पूछा मैंने कि भैया बता दो असली बात बता दो क्यों हार गए, तो उसने बोला कि 16 जून को भैया फादर्स डे था, वो हम अपने फादर से कहते जीत सकते हैं, उनको गिफ्ट दे दिया हमने जीत में। हाँ, ये तो चल गया। बिहार में भैया देख लो, ये गर्मी के कारण धारा 144 लगा दी, बताओ ऐसा उत्पात मचा रही है गर्मी वहाँ पे, और वहाँ पे भैया 183 लोग मर गए, बच्चे मर रहे हैं बेचारे लू से,
ये तो हो रही है, ये बताओ गर्मी की खैर ढा सकती है बता रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ बिहार में भी है ना पेड़ वेड़ लगाओ भैया, बड़ा मुश्किल काम हो रही है आजकल। और ये खबर देख रहे हो, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इन्हें बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इन्होंने कहा इनके जो महाप्रबंधक है वो सब रेल से यात्रा करेंगे, और रेल से यात्रा करेंगे तो मेरा कहना ये है कि भैया रेल में जाएंगे बैठेंगे तो बाकी समस्या खुद देखने को मिलेंगी, कैसे एक दूसरे के ऊपर लद पद जाके बैठती बैठ के जाती हैं लोग, तब तो समझ में आएगा इनको क्या हो रही है देश में, रेलवे में कितने सुधार की जरूरत है। और यह खबर ये देख लो, ये PNB घोटाला करके गए जो गए थे ना मेहुल चौकसी, हाँ मेहुल चौकसी एंटीगुआ में ऐश कर रहे हैं जो बैठ के, वो कह रहे हैं मैं आ नहीं पाऊंगा यहीं आके पूछ लो, और मैं कह रहा हूँ ये PNB का घोटाला कर करके इतना खाली है, इतने चौड़े हो गए हो तो बीमारियां तो होंगी, और चुपचाप बता रही हूँ खींच के लाना पड़ेगा, आ जाओ यहाँ पे। हाँ और मैं बता रही हूँ ये ममता दीदी के चक्कर में पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, बताओ क्या क्या दुर्दशा हो रही है लोगों की, बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, कोई किसी वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी का ये वो लगा हुआ है, और मैं बता रही हूँ डॉक्टरों को मारती क्यों यार, उनकी है वो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं भैया, तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए बता रहे हूँ। और वहाँ पे अब स्ट्राइक खत्म होने वाली है शायद, कुछ समझौते मांगे मांगे मान लिए हैं ममता बनर्जी ने, तो उनके पुलिस वाले रहेंगे हर जगह, ये अच्छी बात है डॉक्टरों की भैया, उनकी भी रक्षा करना चाहिए। हाँ और ये भैया ये संसद का बजट सब शुरू हो गया है, और मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी को तो ऐसा याद करते हैं लोग, सुबह से नहीं आए तो वो चिल्ला चौड़ हो गई राहुल गांधी क्यों नहीं आए, राहुल गांधी कितने प्रिय हैं बता रहे राहुल गांधी हैं, और फिर वो 4 बजे आए फिर उन्होंने शपथ ली। और ये प्रज्ञा भारती हैं प्रज्ञा साध्वी जी, इनका नाम तो विवादिता होना चाहिए साध्वी, बता रहा हूँ हज जाम ही जाती विवाद शुरू हो जाते हैं इनका, इन्होंने जो शपथ ग्रहण ली उसमें अपने गुरु जी का नाम ले दिया, ये ले दिया वो ले दिया, और वहाँ फिर चिल्ला चौट कर दी लोगों ने कि भैया ये नहीं गुरु जी के नाम नहीं है, वो तो वहाँ पे संविधान के नाम पे शपथ लो, ईश्वर के नाम पे शपथ लो, फिर उन्होंने चेंज किया, बता रहे ये तो चल रहा है। और अमेरिका में देखो कितनी खबर है, भारतीय परिवार की हत्या कर दी वहाँ पे किसी ने, सिर्फ फिर ने बता रहे हूँ मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाके रहती है क्यों यार, अपने देश इतना बड़ा है प्रगति कर लिया है यही रहो ना, काहे को वहाँ मानने जाते हो। और यह खबर देखो अमेरिका से एक अच्छी खबर भी आ रही है कि जब भी युद्ध वगैरह होगा तो अपने को भी है ना हथियार मिल जाएंगे, जो नाटो देश है जिनको है ना जो अधिकार प्राप्त हैं वो अपने को भी मिल गए अब, तो ये मोदी जी का जो भैया है ट्रंप के साथ दोस्ती हो रही है उसका फायदा हो रहा है बता रहे हूँ। और आखिरी खबर ये सुन लो भैया, भोपाल से अच्छी खबर है, कलकत्ता और पटना लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट है तो शुरू होने वाली है, तो भैया टिकट बुक करा लो, घूमो इधर उधर। और मैं भी चला भैया कलकत्ता जा रहा हूँ, जरा दीदी से मिल लूँ, बहुत भुनभुनाती रहती है, उनको जरा भोपाल का पानी ले जाके पिलाऊंगा। हाँ तो भैया जय श्री राम, मैं जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।